जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी सिद्ध कुंज का स्रोत जिसके बारे में हम सब जानते हैं, इसकी वो विधि जानना चाहते हैं, इसको कैसे कोई भी साधक कोई भी भक्त कैसे इसकी साधना कर सकता है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना। और ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिद्ध कुंज का स्रोत साधना से साधक के स्तंभन, मारण, मोहन, शत्रुनाश, सिद्धि प्राप्ति, विजय प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आदि अर्थात सभी क्षेत्रों में प्रवेश ये महाकुंजी कहलाती है। सिद्ध कुंजी का स्रोत साधना के बाद प्रतिदिन प्रातः काल आपको सिद्ध कुंजी का स्त्रोतम का पाठ कराने से कभी किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी और सभी प्रकार के विघ्न बाधा नष्ट हो जाते हैं, वह परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसके पाठ से काम क्रोध का मारण, ईष्ट देव का मोहन, मन का वशीकरण और इंद्रियों की विषय वासनाओं का स्तंभन और मोक्ष प्राप्ति हेतु चाटन आदि कार्य सफल होने लगते हैं। बहुत फायदा पहुंचाता है अगर आप सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने लग जाएंगे, विधि अनुसार अगर आपने कर लिया ना और आप अगर इसमें सफल हो गए, आपको जिंदगी में किसी साधना को करने की जरूरत नहीं है। भगवती का अपरंपार आशीर्वाद, भगवती स्वयं आके प्रकट आपके प्रत्यक्ष आपके घर में बैठेगी, आपके स्थान पे बैठेगी जहां आप उन्हें विराजमान करोगे और जिंदगी में जो चाहोगे ना वो मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो या फिर शांति की आवश्यकता हो, कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होना, घर में कलेश होना, व्यापार में दिक्कत और परेशानी होना, शादी का नहीं होना, शत्रु का हावी होना, व्यापार में घाटा या नुकसान होना, या संतान सुख से वंचित होना, भूत प्रेत और ऊपरी हवा या किसी भी प्रकार की परेशानी, जमीन से संबंधित परेशानी, रोग से संबंधित समस्याएं हो, या सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना और समस्त प्रकार की कल्याण की भावना सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करने से व कराने से लाभ मिलता है। और नवरात्रि में कराने से इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है, तो नवरात्रि में तो जरूर आप लोगों को एक बार कराना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्रोत साधना की मैं कुछ पहले विधि बता दूं आपको। नवरात्रि या किसी भी महीने की अष्टमी तिथि, ध्यान रहे किसी भी महीने की अष्टमी तिथि या फिर नवरात्रि बहुत अच्छा समय है, और या फिर शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शुक्रवार से शुरू कर सकते हो आप ये साधना। आप इस सिद्ध कुंज का स्त्रोत साधना ब्रह्म मुहूर्त में या रात में 10 बजे के बाद कर सकते हो। सर्वप्रथम जातक को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर शुद्ध लाल रंग के वस्त्र धारण करके लाल आसन पर पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होकर बैठ जाना चाहिए। ज्ञान की जो दिशा होगी, आपका जो मुख होना चाहिए वो पूर्व डायरेक्शन की तरफ या उत्तर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। रात में कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत करो या पाठ करो तो इसका जो फल होता है ना वो जल्दी मिलने लग जाता है और आपको ज़्यादा समय तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता और शक्तियाँ स्वयं प्रकट होकर आपके काम करने लग जाती हैं। तो जो भी इच्छा होगी वैसे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कहते हैं कि रात में ही करना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर भी ये कार्य कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि 10 बजे के बाद कर सकते हो और अपना जितना भी रोज का जो नहाना धोना ये सब करके स्थान आपको डायरेक्शन ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपने सामने चौकी रखनी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ श्री दुर्गा जी की प्रतिमा या फोटो और दुर्गा यंत्र स्थापित करना है। फोटो या फिर जो मूर्ति होगी वो आपके घर पे हो सकती है, किसी भी धातु की हो सकती है, उनको आपको आसन में बिठाना होगा यानी रखना होगा, उनको चुनरी पहनानी होगी लाल रंग की, लाल चीज़ों का प्रयोग करा जाएगा। और एक दुर्गा यंत्र आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे या पूजा स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वो आपको स्थापित करना है। साथ ही साथ उसके बाद अब माँ और यंत्र का सामान्य पूजन करना, नॉर्मल तरीके से पूजन करेंगे, जैसे कि कुमकुम हो गया, थोड़े से चावल यानी कि अक्षत हो गए, लाल रंग के पुष्प हो गए, गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हो, गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, गाय का देसी घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती जलानी है, तो गाय का घी होना चाहिए, भैंस का नहीं होना है, ठीक है। फिर माँ श्री दुर्गा जी को किसी भी मिठाई को प्रसाद रूप में अर्पित करना है, यानी कि आप भोग प्रसाद में मिठाई
मिठाई यानी कि बर्फी ले सकते हो सफ़ेद रंग की, या किसी भी प्रकार की 7 प्रकार की मिठाई भी ले सकते हो मिक्स, कुछ भी आप ले सकते हो। उसके बाद जो भी भगत है, जो भी जातक है, अपने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है। संकल्प एक तरीके का वादा होता है उस शक्ति से जिसके लिए आप ये साधना करने जा रहे हो या जिसके नाम से ये साधना करने जा रहे हो। उनको प्रॉमिस करोगे कि हे माँ, आज दिन वार तारीख बोल के से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। यानी कि जिस दिन पे कर रहे हो, क्या डे है, क्या डेट है, तारीख सब कुछ बोलना है, अपना नाम बोलना है और प्रॉमिस करना है, अपना वादा करना है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसका नित्य 9 दिनों तक 51 पाठ या 21 दिन तक 108 पाठ करूँगा या करूँगी। अब जैसा आप कर सको अपनी यथाशक्ति अनुसार, इच्छा अनुसार, 9 दिन में आपको या तो 51 पाठ खत्म करने होंगे या फिर 21 दिन तक आपको 108 पाठ खत्म करने होंगे। वो जैसे आपकी शक्ति है, भक्ति है, वो इच्छा अनुसार कर सकते हो। माँ, मेरी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना को स्वीकार कर, मुझे कुंजिका स्त्रोत की सिद्धि प्रदान कर तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे माँ। ऐसा बोलकर जल भूमि पर छोड़ देना है। उसके बाद जो भी भगत है, जो भी जातक है, जो इस कुंजिका स्त्रोत को कर रहा है, वो पाठ प्रारंभ कर सकता है, अपना स्टार्ट कर सकता है। तो ये हर एक नॉर्मल भगत कर सकता है, कोई इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई समय नहीं है, कुछ मतलब आपको ये नॉर्मल तरीके का मतलब आपकी इच्छा को लेकर घर में बहुत कष्ट हो गए हैं, घर में बहुत परेशानी हो गई है, आपको अब जगह जगह मतलब पैसे लगा लगा के चौकी दरबार जा जा के थक चुके हो, आप बोल रहे हो कि बस अब मेरे बस के कुछ नहीं है, तो बस कुछ नहीं करो। देखो ये तो इसमें पैसे भी नहीं लगने, कुछ नहीं करना, और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आपके पास आराम से अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, चाहे किताब लेके कहीं से कर लो या फिर गूगल के माध्यम से कर लो। और फिर इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया कि वचन अनुसार आपको क्या क्या बोलना है, कितना पाठ करना है, कैसे करना है, वो भी मैं सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ। और समझ ना आने पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और पूछ सकते हो कि किस तरीके से, अगर कोई भी गलती लग रही हो तो गलती नहीं करना बस। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसे छोटे मोटे हल्के में नहीं लेना, और अगर अच्छे से करोगे तो ही इसका फल मिलेगा, वरना मारुष्ट भी हो जाती है, उल्टा फल भी देती है। अनुष्ठान करते समय चढ़ाए जा रहे प्रसाद को जातक स्वयं खा सकता है। अनुष्ठान पूरा होने पर 9वें या 21वां दिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर किसी भी 1 या 3 या 5 या 9 कुंवारी कन्याओं को या फिर जो छोटी बच्ची होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको भोजन कराना है, या फिर अगर कन्याएं ना मिले तो उतनी गाय को भोजन करा सकते हो, ठीक है, गौ माता को भोजन करा सकते हो। ऐसा करने से साधक की सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना संपन्न हो जाती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के साधना के नियम बता दूं, उससे पहले आप सभी लोगों से विनती है, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में ना आपके कोई भी संकट परेशानी चलिए, जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके हो, भगत के पास जा जाके थक चुके हो, बहुत पैसे लुटा लिए, कर्ज उधारी, शादी ब्याह या रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, बाहर ले जाने का नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी लगने का नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की परीक्षा आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है ना, आपको तुरंत आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और या फिर आपकी कुंडली है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, कोई बुरी दशा है, कोई दोष है और उसका आपको उपाय चाहिए, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट आईडी, यूट्यूब आईडी मेरी सेम है, नीचे नाम दिख रहा है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, इस नाम पे आपको मैसेज करना है, मतलब इस आईडी पे मैसेज करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल चैनल पे, और उस पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, और आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद समय दिया जाएगा, उस समय पे ऑनलाइन रह के आप सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, और उसके आधार पर आपको 100% निवारण दिया जाएगा उपायों के साथ, ठीक है। अब आगे मैं आपको नियम बताने जा रहा हूँ, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना के नियम क्या है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जब आप कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको समस्त ज्ञान होना चाहिए उससे पहले कि आपको ये सही तरीके से आप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं जाने अनजाने आपको ये तो पता है कि पाठ करना है, कैसे उच्चारण करना है, ये भी पता है, परंतु आपको नियम ही नहीं पता, और जब नियम नहीं पता होंगे तो वो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो भगवती रुष्ट हो जाएगी, और रुष्ट हो जाएगी तो जीवन की जो परेशानियाँ जो चल भी रही थी उसमें भी दुगना तिगना एक तेज आ जाएगा, और वो और गंदी तरीके से काम बिगाड़ देंगे। तो सबसे पहले नियम में जो है वो साधना काल साधक को ब्रह्मचार्य का
अति आवश्यक पालन करना चाहिए, मतलब कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ जीवन में आप शादीशुदा हैं या किसी भी तरीके का गृहस्थ जीवन, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी आदमी औरत जो भी है आप जीते हो, तो आपको उसका त्याग करना पड़ता है उतने दिन के लिए। आपको कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी, गंदी चीज़ें नहीं देखनी, मोबाइल टीवी इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। दूर रहना है मतलब कि इनमें गंदे चित्र नहीं देखने, आपको सेक्स रिलेटेड चीज़ें आपको दूर रखनी है, गंदी बातों से दूर रहना है, गंदी संगति से दूर रहना है, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य का पालन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से इसका पालन करना ही पड़ेगा। सिद्ध कुंजी का स्रोत साधना काल में साधक को भूमि पर शयन करना चाहिए, मतलब कि आपको जमीन पर ही सोना है। जितने दिन की साधना है उसके अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर सोना है जहां पर आप ये सारी साधना कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आती है जो नियम अनुसार, अगर साधना करते समय साधक अपने मुख पर पान रखकर ये साधना करता है तो इससे भी माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। इस पान में चूना कत्था और इलायची के अतिरिक्त और कुछ नहीं डालना चाहिए। तो जो पान होगा उसमें चूना आ जाएगा, उसमें कत्था आ जाएगा और इलायची आ जाएगी। अगर नित्य रोजाना सिद्ध कुंज का स्रोत साधना समाप्त करने के बाद एक अनार काटकर माँ श्री दुर्गा को अर्पित किया जाए तो इससे साधना का प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। परंतु ये अनार साधक को नहीं खाना चाहिए, ये नित्य प्रातः गाय को दे देना चाहिए। तो अनार का भी आप प्रयोग कीजिए, इससे भी आपकी हर एक चीज़ में, चाहे धन हो, चाहे संतान हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, वृद्धि होती रहेगी। यदि आपका रात्रि में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का अनुष्ठान आप कर रहे हो तो नित्य प्रातःकाल पूजन के समय 3 माला नवारण मंत्र की करनी चाहिए। इससे क्या होगा ना, अगर निवारण मंत्र भी आप साथ में जाप करते रहेंगे, 3 माला तो आपको करनी करनी है। अगर आप ये करते रहोगे तो अगर कोई भी गलती आपसे हो रही होगी, जाने अनजाने भी कुछ गलती हो सकती है क्योंकि हम तो इंसान है, भगवान तो है नहीं, तो कोई ना कोई भक्त से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो अगर गलती भी हो रही होगी ना तो वो भी माफ़ हो जाती है। ये काम साधक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना करने की बात गोपनीय रखनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना गुरु तथा मार्गदर्शक के अतिरिक्त किसी अन्य को कुछ नहीं बताना चाहिए कि आप किसी चीज़ का पाठ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो या आपने संकल्प लिया है, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देनी है। और जो भी अनुभव आपको इतने समय पर होगा उसकी भी जानकारी अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं बतानी है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत साधना के समय साधक जितना संभव हो सभी वस्तुओं लाल रंग की ही प्रयोग करनी है। लाल रंग माँ को अति प्रिय है, जितना हो सके लाल आसन, लाल कपड़े, लाल लाल चीज़ों का ही प्रयोग करना है। 16 श्रृंगार माँ का जो होगा वो भी लाल होगा। अब जो जरूरी नियम है वो ये भी है कि आपको जब आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने बैठ जाते हैं ना, आपको गलती से भी ना घुटनों से नीचे पैरों में हाथ नहीं लगाना है। ये ध्यान रखना, अगर आपके बार बार पैर में हाथ जाता है तो आपको नहीं लगाना है पैरों में हाथ, ये पाप कहलाएगा। आपको जमाइयाँ नहीं लेनी है, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको एक्टिव होके ये सारी प्रक्रिया करनी है। ताकि जैसे हम इंसान एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं भाई आप आलसी हो रहे हो, आपको नींद आ रही है, आपको सुनने का मन नहीं है, उसी प्रकार से एक भगवती भी अंदर का भाव जानती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आलस नहीं आना चाहिए, सुस्त नहीं होने चाहिए। तो ये थी समझ जानकारी सिद्ध कुंज का स्त्रोत को लेके। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए, आपको वीडियो में कुछ भी दिक्कत परेशानी लगे, आप तुरंत मुझसे संपर्क करें, कमेंट के माध्यम से जय माता दी जय माँ भगवती लिखें और संपर्क में रहें, दरबार में जुड़े रहें। जय माता दी जय माँ डाट काली।